वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका महालक्ष्मी रियल किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी सैंडविच पकौड़ा। तो उसके लिए मैंने लिया है थोड़ा स्लाइस किया हुआ टमाटर, थोड़ा सा शिमला मिर्च और थोड़ा प्याज, और एक कप के जितना बेसन लिया है। तो उसको हम डालते हैं एक बाउल में। इसमें डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर और थोड़ा सा अजवाइन हाथों से मसल के डाल देंगे उसमें। अभी इसका बनाएंगे एक स्मूथ बैटर। इसको बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखना, बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना, इतना रखना है कि ब्रेड को अच्छे से कोट कर ले। अभी ये बैटर तैयार हो चुका है, तो अभी हम इसको रख देते हैं 5 मिनट रेस्ट के लिए और तैयार करते हैं आलू का स्टफिंग। तो इसमें भी हम डालते हैं थोड़े मसाले, सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग, थोड़ा सा मिर्ची पाउडर 1/4 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून, और इसको मिक्स कर लेते हैं। अभी इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये मैंने धनिया की ग्रीन चटनी बनाया है, तो इसको सबसे पहले ब्रेड पे हम लगाते हैं। उसके बाद ये आलू का स्टफिंग जो मैंने तैयार किया है, इसको थोड़ा थोड़ा लगाते हैं ब्रेड में। आलू में मैंने थोड़े कम मसाले डाले हैं, क्योंकि चटनी में भी ग्रीन चिली डाला है मैंने, तो बहुत ज़्यादा स्पाइसी ना हो जाए, इसके लिए मैंने इसमें थोड़े लाइट मसाले डाले हैं। उसके बाद लेंगे एक कांदे का स्लाइस प्याज का, एक टमाटर का और एक शिमला मिर्च का। उसके ऊपर हम लगाएंगे दूसरा ब्रेड, इसी तरह एक और कर लेंगे, ब्रेड को तैयार करेंगे, चटनी लगाएंगे। चटनी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा लगा सकते हैं। फिर एक स्लाइस प्याज का, एक स्लाइस टमाटर का और एक स्लाइस शिमला मिर्च का। इसके ऊपर भी ब्रेड लगा देंगे। अभी मैंने एक कढ़ाई रखा है तेल गरम करने के लिए, तो वो गरम हो चुका है। तो अभी हम इसको एकदम सावधानी से सैंडविच को डालेंगे बैटर के अंदर। बहुत ही केयरफुली डालना है, नहीं तो ये खुल सकता है। और इसको हाथों से ही करें, स्पून का हेल्प लेंगे या फोर्क का तो ये खुल जाएगा। अभी ये चारों तरफ से कोट हो चुका है, तो अभी हम इसको डाल देंगे ऑयल में। और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे।
जब ये एक साइड में सिक जाता है तभी हम इसको पलटेंगे। अभी हमारा सैंडविच पकौड़ा गोल्डन ब्राउन हो चुका है तो अभी हम इसको निकाल लेते हैं। एक टिश्यू पेपर पे निकालेंगे, जो एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो निकल जाएगा। अभी हम डालेंगे दूसरा बैच। इसको भी एकदम सावधानी से दोनों हाथों से पकड़ना है ताकि ये खुले नहीं। केयरफुली डालना है। गोल्डन फ्राई कर लेंगे इसको। अभी हमारा दूसरा सैंडविच पकौड़ा भी तैयार हो चुका है तो हम इसको निकाल देते हैं टिश्यू पेपर पे और गैस को करते हैं बंद। तो तैयार है हमारे सैंडविच पकौड़ा। ब्रेड पकौड़ा तो हम बहुत बनाते हैं, एक बार ये सैंडविच ब्रेड पकौड़ा ट्राई करके ज़रूर देखिए, बहुत ही टेस्टी लगेगा। इसको हम सर्व करेंगे टोमेटो केचप के साथ और ग्रीन चटनी के साथ। तो अगर ये रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, अपने कमेंट दीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।